और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान दोनों जिलों के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा के लिए नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले के बीजेपी विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री सौरभ अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर और नैनीताल जनपद की कालाढूंगी, लालकुआं, भीमताल और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इन सातों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा है। बैठक में विधानसभा बार समीक्षा की गई है। सबसे पहले नैनीताल विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। वहीं लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि समीक्षा बैठक से विकास कार्यों में और गति मिलेगी। पंतनगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और अधिकारी वर्ग की ओर से पूरी गंभीरता से विषयों को सुना गया और उनके द्वारा उनके बिल्कुल अविलंब निराकरण का जो है आश्वासन दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो तेजी से जो विकास कार्य हमारे हो रहे थे इस बैठक से उसमें और प्रगति होगी और तेजी उसमें उन सब में आएगी और हम लोग जो त्वरित समस्याएँ, चाहे वो हमारा जो गोवंश की समस्या हो, चाहे हमारे हमारे क्षेत्र में जो है जो ये उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मामला, मैंने उसमें पहले से मैं कार्य कर रहा हूँ उसके लिए मैंने का बात की है। तो इस तरह के जो व्यापक महत्व के जो हमारे मुद्दे हैं जिनमें जो है लोगों की अपेक्षाएं हमसे हैं, उनमें हम लोग कार्य करने में सफल हुए। जो भी क्योंकि विधायकों से भी सबकी अपेक्षा होती है, क्षेत्र की जनता की अपेक्षा होती है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान तत्काल हो सकता है तो उनका बैठक के माध्यम से तत्काल समाधान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इससे जो आपस में परस्पर कम्युनिकेशन है, परस्पर संवाद है हमारे विधायकों के बीच में, हमारे अधिकारियों के बीच में, वो परस्पर बने और बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो आने वाले समय में आपदा है, आपदा का समय है, बरसात का समय है, महामारी के समय इस गर्मी के मौसम में आता है, उन सभी पर भी बात करी है। भूस्खलन होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, खाद्यान्न के विषय हैं, मच्छरों से बचाव है, महामारी से बचाव है, उन सब पर भी हमने चर्चा की है। सबका हेतु है कि सबके विधानसभा क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में काम हो और क्षेत्रों के साथ साथ पूरे प्रदेश में काम हो, उसकी चिंता हुई है।